कोई लेंस कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जनरली आप लोग क्या करते हैं कि या तो शेप देख के, जैसे आप ये शेप देखते हो और एक ये वाली शेप देखते हो दूसरी, और शेप देख के आप बोल देते हो कि ये वाला जो है ये कॉनकेव है और ये वाला क्या है कॉन्वेक्स। ये जनरल आइडेंटिफिकेशन है और लगभग लोग ऐसा ही करते हैं कि शेप देखते हैं, शेप के अकॉर्डिंग बोल देते हैं कि ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। दूसरा एक जो प्रॉपर्टी है लेंस को आइडेंटिफाई करने की, वो ये है, अगर मान लीजिए एक पैरेलल बीम आ रहा है, यहाँ पे एक पैरेलल बीम आ रहा है और यहाँ पे एक मटेरियल लगा रखा है, मुझे नहीं पता इस मटेरियल की जो शेप है या इसका जो बिहेवियर है या जो नेचर है वो कन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर इस पैरेलल बीम को इस प्रकार से कन्वर्ज तो ये कर देता है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता नहीं है कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो ऐसी जो शेप है अगर उसने कन्वर्ज तो कर दिया बीम को तो क्या हो जाएगा, ये कन्वेक्स हो जाएगा। और अगर इस प्रकार से बीम को ये डाइवर्ज कर देता है तो क्या बन जाता है, ये कॉनकेव बन जाता है। तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफिकेशन करते हो, बट मोस्टली आप लोग क्या करते हो, इसको कॉन्वेक्स बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला जो लेंस है ये कॉनकेव है और ये वाला जो लेंस है ये कॉन्वेक्स है, तो कैसा रहेगा? तो फर्स्ट टाइम में तो आप ऐसा ही बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कॉनवेक्स होता है, ये कॉनकेव नहीं होता। तो यहाँ पे एक जो बेसिक कंसेप्ट है किसी भी लेंस को आइडेंटिफाई करने का, कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा कि ये कॉन्वेक्स ही है या ये कॉनकेव ही है, उस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो शेप होती है उस शेप से हम लेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये जो शेप दिखाई तो आपको कॉन्वेक्स की तरह दे रही है बट ये कॉनकेव की तरह बिहेव कर सकता है, ये दिखाई तो कॉनकेव की तरह रहा है बट कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर सकता है। एक जो मेजर आइडेंटिफिकेशन होता है उसका तरीका मैंने आपको बोला और वो ये था कि अगर ये कन्वर्ज तो कर देता है तो कन्वेक्स है, डाइवर्ज कर देता है पैरेलल बीम को तो ये कॉनकेव है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको हम देखते हैं। देखिए जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, कोई भी लेंस बनाया कैसे जाता है, वो जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1-1 इंटू 1/r1-1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, वेयर एफ इज द फोकस, μ2 क्या है इसको ध्यान रखेंगे, μ2 लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ1 जो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे ये लेंस का मटेरियल है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मैं μ2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इसकी जो सराउंडिंग है ये बाकी बच गया, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैं μ1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर 4 इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो हम फोकस को लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू μ2-μ1-1 और इंटू 2/r। ये 2/r कैसे आया इसका एक सेपरेट वीडियो है, वहाँ से आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे देता हूँ। और 4 इक्वी कॉनकेव लेंस जो फोकस होता है 1/f वो आपके पास हो जाएगा μ2/μ1-1 इंटू -2/r, ये होता है। ठीक है, अब देखिए कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह बिहेव कैसे कर सकता है, और कॉनकेव जो होता है जो शेप में आपको दिख रहा है कि कॉनकेव ही है वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है। कैसे, मैं लेंस बना लेता हूं, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस की शेप ही मैंने बना ली है, ठीक है, और इसकी जो सराउंडिंग है ये, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, पैरेलल बीम इस प्रकार से इसके पास एक रेगा आ रहा है, ठीक है, और आपसे बोला जाएगा कि इसको इमर्जेंट रे है उसको ड्रॉ कीजिए इफ μ2 इज ग्रेटर देन μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, केस नंबर 1 तो ये है केस नंबर 1, और केस नंबर 2 ये हो गया μ1 इज ग्रेटर देन μ2। इन दो केस में आपको पता चल जाएगा कि लेंस जो होता है वो शेप से डिफाइन नहीं होता है,
शेप देख के मैं नहीं बता सकता कि कॉनकेव है या कॉनवेक्स है। लेंस को आप डिफाइन करोगे उसके सराउंडिंग के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और यहां से आपको पता चलेगा। मैं केस वन ले लेता हूं। केस वन जो है, ये वाला जो केस है, ये क्या बोलता है, म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन है, ठीक है। तो यहां से क्योंकि आपको दिखाई कैसा दे रहा है, ये कॉन्वेक्स की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स वाली इक्वेशन हम लगाएंगे, ये वाली इक्वेशन है, तो इसको हम लिखेंगे वन डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई म्यू वन इंटू टू डिवाइड बाई आर, ठीक है। एलसीएम लेके मैंने इसको ऐसे सोल्व कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, यहाँ पे म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन कंडीशन दे रखी है, मतलब ये ज़्यादा है। सपोज करो जैसे ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एयर में रखा हुआ है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। तो यहाँ पे एज हम लिखेंगे म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, अगर म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन है तो आपके पास जो म्यू टू माइनस म्यू वन है वो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ये ग्रेटर है तो टोटल रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो गए तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और ये पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपका जो फोकस आएगा, आपका जो फोकस आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। फोकस कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव फोकस किसका होता है, साइन कन्वेंशन अगर आप अप्लाई करेंगे, साइन कन्वेंशन अगर आप अप्लाई करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस देखिए आप इस प्रकार से, कॉन्वेक्स लेंस है, इधर से लाइट रेज आ रही हैं, ये बीम को कन्वर्ज कर देगा, तो इसका फोकस तो ये बना, फोकल लेंथ इसकी ये है और फोकस इसका ये वाला फोकस पॉइंट है और फोकल लेंथ होगी इसकी ये, ठीक है। इधर से लाइट आ रही है, आप लाइट के डायरेक्शन में, यहाँ से आपको डिस्टेंस मेजर करनी होती है, आप लाइट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो फोकस कैसा हुआ, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर फोकस पॉजिटिव है तो लेंस कैसा रहेगा, लेंस रहेगा कॉन्वेक्स। तो लेंस बिहेव कैसे करेगा, कॉन्वेक्स की तरह करेगा। तो इस केस में इसका डायग्राम केस नंबर वन में कुछ ऐसे हो जाएगा, ये लेंस था, ऐसे पैरेलल बीम आपके पास आया और इस प्रकार से ये कन्वर्ज हो गया, ये इसका फोकस हो गया और ये इसकी फोकल लेंथ हो गई, ओके। केस नंबर वन हमारे पास ये हो गया। अब केस नंबर टू को डिस्कस करते हैं। केस टू, केस टू को देखिए, केस टू क्या बोलता है, म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू है, क्या है, म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू टू माइनस म्यू वन का जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, इसका मतलब दोनों का जो सब्ट्रैक्शन लोगे कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। रिजल्ट अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, हैंस फोकस कैसा आया, नेगेटिव आया। फोकस कैसा आया, नेगेटिव। अब नेगेटिव फोकस किसका होता है, मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। जैसे कॉनकेव लेंस है आपके पास, ठीक है, पैरेलल बीम आता है और वो इसको इस प्रकार से डाइवर्ज कर देता है। अगर इसको आप पीछे एक्सटेंड करोगे रेज को तो वो कुछ यहाँ मिलती हैं, तो इसकी फोकल लेंथ ये हुई और ये इसका क्या हुआ, फोकस। हर डिस्टेंस हमें यहाँ से मेजर करनी होती है, तो लाइट रे इस डायरेक्शन में आ रहा है, मेजरमेंट करने के लिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, नेगेटिव हुआ, इसका मतलब एफ क्या है, नेगेटिव। और एफ अगर नेगेटिव है तो वो होता है कॉनकेव। नेगेटिव किसका होता है, कॉनकेव का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, लेंस कैसा है, कॉनकेव है। इसका मतलब ये इस प्रकार की शेप थी हमारे पास, पैरेलल बीम आ रहा था और इस बीम को इसने डाइवर्ज कर दिया। कब, जब म्यू वन ग्रेटर देन किससे है, म्यू टू से। देखिए आप यहां से शेप आपको कॉन्वेक्स की दिख रही है, शेप किसकी दिख रही है, कॉन्वेक्स की दिख रही है, बट बिहेव ये कॉनकेव की तरह कर रहा है। सिमिलरली अगर आपके पास इस लेंस की जगह अगर ये दे रखा होता, ये वाला लेंस दे रखा होता, ये वाला लेंस दे रखा होता, तो हम क्या करते, केस वन अप्लाई करते, बट उस केस में हम क्या करते, जैसे पैरेलल बीम आया, ये वाला लेंस दे रखा था, तो ये इक्वेशन लगाते, क्योंकि आपको दिख कैसा रहा है, ये कॉनकेव की तरह दिख रहा है, तो इक्वेशन कॉनकेव की लगाते, तो यहाँ माइनस लग जाता, फाइनल रिजल्ट में म्यू टू माइनस म्यू वन, ये रिजल्ट पॉजिटिव आता, रिजल्ट कैसा आता, पॉजिटिव, तो फाइनल रिजल्ट कैसा आता, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, तो फोकस कैसा आता, नेगेटिव आता, और नेगेटिव फोकस किसका होता है, कौन
कॉनकेव का, तो तब रिजल्ट क्या लिखते हैं आप यहाँ पे, कॉनकेव। तब ये शेप आपके पास ऐसी थी, तो कॉनकेव जैसे बिहेव करता है वैसे ही बिहेव करता, आप ये नहीं लिखते ऐसे। केस नंबर टू में म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू का लगाओगे तो म्यू टू माइनस म्यू वन नेगेटिव आएगा, ये रिजल्ट नेगेटिव है, नेगेटिव ऑलरेडी है तो ये मेरे पास कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इस केस में अगर ये वाला लेंस होता तो डायग्राम आप बनाते कुछ ऐसा, पैरेलल बीम है और उसको कन्वर्ज कर रहा है ये, समझ गए। तो यहां से आपको इसमें ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी जो लेंस है उसका जो बिहेवियर लाइक ए कॉन्वेक्स और कॉनकेव, वो डिफाइन होता है कि उसके सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपेरिजन में कितना है। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लेंस वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आपको दिख रहा है, और अगर लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है जैसे इस केस में था, लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर कम होता है तो लेंस अपने शेप से अपोजिट बिहेव करेगा। अगर वो आपको कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव दिखाई दे रहा है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। तो आगे जब भी आप कभी भी किसी भी लेंस को उसकी शेप से डिफाइन करने की कोशिश करो तो उससे पहले ये देख लेना कि लेंस का सराउंडिंग मीडियम क्या है, क्योंकि जनरली जब भी हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे मेरे पास यहीं पे मैं कोई लेंस लेके आ जाऊं तो वो जो लेंस है वो मैंने एयर में पकड़ के रखा हुआ है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ग्लास का मैं बना के रखूंगा, मेरे पास लेबोरेटरी वगैरह में जब भी आपको हम लेंस दिखाते हैं तो ग्लास का लेंस दिखाते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा जनरली, तो वो ज़्यादा ही होता है, इसलिए हम शेप के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि ये जो है कॉन्वेक्स है या ये क्या है, कॉनकेव है। बट एक्चुअल जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो किससे होता है, सराउंडिंग मीडियम से होता है।